हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रभास भी फिलहाल इसी मोड में हैं। पिछली नहीं नहीं उसका नाम नहीं लेंगे, उसने तो काफी मजाक बनवा दिया, लेकिन अब प्रभास प्रोजेक्ट के यानी कि कल्की के साथ सॉलिड जवाब देने के मूड में है। सैन डिएगो में हुए कॉमिक कॉन में फिल्म की एक झलक रिलीज की गई। टू बी ऑनेस्ट, पोस्टर देखने के बाद मुझे काफी ऑकवर्ड लग रहा था कि अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कहीं कचरा ना हो जाए, लेकिन यहाँ से कहानी में आया ट्विस्ट, जनता खुश कि अरे भाई इज्जत बच गई। टीजर इम्प्रेसिव निकला। 875 साल बाद की कहानी, दुनिया खत्म होने वाली है, लोग पानी को तरस रहे हैं, बुरी शक्तियां ताकतवर हो रही हैं, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, प्रभास, अंधेरा कायम रहे वाली फीलिंग और आखिर में कल्की पर हमला किसने किया वाला सवाल, ये सभी चीजें फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा रही है। पहले की बात करें तो पोस्टर रिलीज के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रभास भाई को सस्ता आयरन मैन बता दिया था। एक यूजर ने लिखा, पता नहीं पोस्टर किसने बनाया, लग रहा है एवेंजर्स इन्फिनिटी के पोस्टर पर प्रभास की गर्दन चिपका दी, लेकिन टीजर ने डिजास्टर मैनेजमेंट कर दिया है। पास्ट के बाद फ्यूचर में होने जा रही है प्रभास की एंट्री। अभी हाल में प्रभास आदिकाल में थे और अब फ्यूचर में एंट्री ले ली है। एक नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है जिसमें शायद साइंस और भगवान का मिक्स देखने को मिले। एक तरफ प्रभास अपने हाथ में लगे गैजेट से कुछ जादू सा करते हैं, तो वहीं भगवान की भी झलक दिखाई गई है। ओवरऑल एक ऐसा यूनिवर्स सेट किया गया है जो अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिला है। अब अगर ये फिल्म ट्रैक पर रहती है तो प्रभास की स्टार पावर को और बढ़ा देगी, लेकिन अगर ये निशाने पर नहीं लगती तो बाहुबली के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है।